महान सुन लो कथा एक पुरानी। मेरे राज्य में बरसों बरसा न पानी, विद्वजनों की सभा एक बुलाई, सभी ने मिले एक युक्ति बताई। रानी सुने ना सहित हल चलाया, तो हल का फल एक घट से टकराया, उसी में ये पाई है सीता सयानी। महाराज सुन लो कथा के पुरानी। क्या नाम है इसका? मेरी पुत्री का नाम जानकी। वाह। और नारद के द्वारा इसका नाम सीता रखा। वाह बहुत सुंदर। देखो ऐसे बनेगा नहीं, सब लोग बैठ जाइए, ये जितने लोग खड़े हैं। हाँ ये बात सुन पूरा बनो, बैठो बैठ जाइए, इधर आ जाओ कुछ लोग। इतनी अच्छी व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था करवाई गई है, बैठिए आप। क्या कहा? देवर्षि नारद के द्वारा नाम रखा गया सीता। हाँ महर्षि। एक दीप महात्मा के द्वारा और दीप नाम रखा गया सीता। सर्वमयी सीता, सबके हृदय में वास करने वाली सीता, यह जगत मई सीता, प्राणियों के हृदय में वास करने वाली सीता, और मेरे हृदय को मोह लेने वाली सीता। बेटी तुम्हारे लिए सुभाषीष धरती के विशाल मंत्र से उत्पन्न हुई बालिका। ओम धरती के अंत से उपजी, धरती के अंत से उपजी, ओ धरती माँ की प्यारी, और सुख समृद्धि सौभाग्यवती हो यह बेटी जनक दुलारी, और जब तक रहे यह सिर से दुरा, और अम्मा गंगा की धारा, तुलनीय अनुराग पति में, और बेटी सदा तुम्हारा, निश्चर श्रृंगार नारथ देवी, निश्चर श्रृंगार नारथ देवी, इस यवनी थल पर आई हो, और अमित शक्ति अंशावतार ले बेटी बैदे ही कहलाई हो। परंतु शीरत ध्वज बालिका के ललाट पर मैं गलित पड़ रहा हूँ। क्या? बनवास हो, बनवास हो, या बनवास हो, पति साथ साथ रहना होगा, सुखी कारा में। लेकिन फिर से राजा, लेकिन फिर से राजा और रानी बनकर सुख भोग गया राज पारा। लेकिन फिर बनवासिन, लेकिन फिर बनवासिन, यहाँ लिखा भाग्य में यह भविष्य कथन हमारा। और ऋषि बाल्मीकि की पावन कुटिया में होगा आवास तुम्हारा, फिर लव कुश होंगे दो यमल पुत्र, और शिक्षक तुमको बनना होगा, और युद्ध समय में तुम पुत्रों को निज पिता से लड़ना होगा, फिर अंत समय में शिया सुनो,
धरती में क्षमा जाएगी तू और निज शक्तित्व और आल पान की यह शान छोड़ जाए तू आयुष्मती भो अखंड सौभाग्यवती भोले जाओ सुंदर बालिका को जाओ से विश्वामित्रो